नमस्कार, रहो साक्षी न्यूज सेंटर को आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम कैराना संसदीय क्षेत्र में हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। और अगर यहां के राजनीतिक समीकरणों को देखें तो मामला त्रिकोणीय इस बार लोकसभा चुनाव में नज़र आ रहा है। बीजेपी ने प्रदीप चौधरी पर एक बार फिर से विश्वास जताया है, और अब चूंकि आरएलडी के साथ बीजेपी का गठबंधन है, इसलिए बीजेपी को उम्मीद है कि एक बार फिर यहां कमल खिलेगा। हम आपको बता दें कि आरएलडी के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी के एक नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, और ज़मीन पर भी दोनों दल जिस तरीके से साथ दिख रहे हैं वो दर्शा रहा है कि गठबंधन सिर्फ नेताओं का नहीं हुआ है, कार्यकर्ताओं का भी हुआ है। इस नाते बीजेपी को यहाँ पर जीत की उम्मीद है। हम आपको बता दें कि आरएलडी इस क्षेत्र में एक मजबूत पार्टी है, और जयंत चौधरी भी प्रदीप चौधरी के लिए जनसभा करने के लिए आने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस क्षेत्र में आएंगे, और हम आपको बता दें कि इस क्षेत्र के जो गन्ने हैं उसकी मिठास की जो चर्चा है वो दुनिया भर में होती है, लेकिन संबंधों में खटास भी यहाँ का एक इतिहास रहा है। दो धर्मों के लोगों के बीच जिस तरह खटास आई थी उसने पलायन जैसी स्थिति को भी यहाँ पर पैदा किया था, लेकिन अब हालात बहुत बेहतर हैं और विकास की जो परियोजनाएं मिली हैं उससे इस क्षेत्र ने अब पीछे मुड़कर देखना बंद कर दिया है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर इकरा हसन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त प्रत्याशी हैं। उनकी माता जी भी यहाँ से सांसद रही हैं, उनके परिवार के अन्य लोग भी यहाँ से निर्वाचित होते रहे हैं। इकरा हसन भी एक मजबूत दावेदार हैं, और यादव और मुस्लिमों का जो गठजोड़ है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुखद परिणाम दिखाता रहा है समाजवादी पार्टी के लिए, इसलिए समाजवादी पार्टी आशान्वित है। बीएसपी ने यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय किया है, और बीएसपी प्रत्याशी भी मामले को त्रिकोणीय बना रहे हैं, चुनाव को त्रिकोणीय बना रहे हैं, हालांकि उनकी चर्चा क्षेत्र में कम है। हम आपको बता दें कि ये जो इलाका है इसमें मुस्लिमों की संख्या अच्छी खासी है, गुर्जरों की संख्या अच्छी खासी है, जाट हैं यहाँ पर, और अगर हम देखें तो हमने कुछ क्षेत्रों में ये भी पाया कि एक ध्रुवीकरण जैसी भी स्थिति है। क्योंकि अगर हम बात करें जब से योगी सरकार बनी है उससे पहले की, तो यहाँ पर सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होता था, और ख़ास तौर पर सांप्रदायिक जो तनाव अक्सर हो जाया करते थे उसको लेकर मतदाता आज भी आशंकित रहते हैं कि यदि कोई दूसरी पार्टी आ गई तो स्थिति पहले जैसी ना हो जाए। तो इसलिए कुछ क्षेत्रों में ध्रुवीकरण की भी स्थिति देखने को मिल रही है। विकास को लोग प्राथमिकता दे रहे हैं, विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलाया है उसके तहत लोग साथ खड़े दिख रहे हैं। और ख़ास बात यह रही कि हमने कई ग्रामीण अंचलों में जब लोगों से उनकी मन की बात जानी तो एक चीज़ और सामने आई कि बिजली, सड़क, पानी उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना भारत के विकास की बात एक बड़ा मुद्दा है। तो देखना होगा कि जब मतदाता मतदान करने जाएंगे तो उनके दिमाग में उस समय क्या बड़े मुद्दे रहते हैं। फिलहाल अभी चूंकि 15 दिन लगभग बाकी हैं मतदान में, तो नेता और जो उनके आलाकमान हैं वो लगातार अपने इस क्षेत्र में आ रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं, मतदाता सबकी बात सुन रहे हैं, और अंत में फैसला उनको ही करना है। फिलहाल आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनके सामने क्या चुनौतियाँ हैं और क्या इनके प्लस पॉइंट हैं, और इस क्षेत्र के राजनीतिक और जातिगत समीकरण आखिर हैं क्या। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई। यूपी में पहले चरण में वेस्ट की 8 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। पश्चिमी यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल पूरी ताकत लगाए हुए हैं। पलायन के मुद्दे से सुर्खियों में आई कैराना लोकसभा सीट पर इस बार सभी की नज़रें लगी हुई हैं। दरअसल इस समय कैराना लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। कैराना में बीजेपी ने वर्तमान सांसद प्रदीप कुमार चौधरी को फिर से प्रत्याशी बनाया है। पिछली बार प्रदीप कुमार चौधरी ने सपा प्रत्याशी तबस्सुम हसन को हराया था, वहीं इस बार सपा ने इकरा हसन को चुनाव मैदान में उतारा है। बसपा की तरफ से श्रीपाल राणा मैदान में आए हैं। मुकाबला इस बार प्रदीप, इकरा और श्रीपाल राणा के बीच ही होने की उम्मीद जताई जा रही है। हम आपको बता दें कि कैराना लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र शामली, कैराना, थाना भवन, नकुड़ और गंगोह शामिल हैं। इस सीट पर मतदाताओं की संख्या 17,19,011 है। इस सीट पर सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन के सामने जहां विरासत को बचाना चुनौती है, वहीं बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह की मौत के बाद वर्ष 2018 में जब उपचुनाव हुआ था उसमें हसन परिवार की इकरा की मां तबस्सुम हसन ने आरएलडी से चुनाव लड़ते हुए 4,81,182 मत प्राप्त कर विजय हासिल की थी। वहीं सांसद प्रदीप चौधरी को दूसरी बार जीत दर्ज कर बीजेपी का परचम लहराना बड़ी चुनौती दिख रही है। वहीं श्रीपाल राणा ने 6 माह पहले ही बीएसपी की सदस्यता ली थी। श्रीपाल राणा के सामने बीएसपी की साख बचाना बड़ी चुनौती है। हम आपको बता दें कि कैराना में 2024 का चौधरी कौन होगा, जनता का क्या मूड है, इसे जानने के लिए प्रभा साक्षी की टीम ने इस लोकसभा क्षेत्र का दौरा भी किया।
हम आपको बता दें कि कैराना में जो लोगों का कहना है, सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार ने अपराध को ख़त्म कर दिया। लोगों का कहना है कि अब उनका जो धंधा है वो अच्छा चल रहा है, किसी बात का कोई डर नहीं है। और ख़ास तौर पर युवाओं के लिए शामली में जो स्टेडियम बनाया गया है उससे युवा बड़े खुश हैं। शिक्षा, विकास और गुंडागर्दी को ख़त्म करना यहाँ के बड़े मुद्दों में शामिल है। बल्कि मुस्लिम महिलाएं भी कह रही हैं कि जो राशन है वो मिल रहा है योगी सरकार की ओर से, सभी को बिना किसी धर्म को देखे हुए, उसके लिए भी वह योगी सरकार की तारीफ करती दिखी। वहीं अगर व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों का कहना है कि अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई तनाव नहीं है, और पहले की सरकारों में जो गुंडागर्दी थी, रंगदारी मांगी जाती थी, हत्याएं होती थी, लूटपाट होती थी, अब उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। हालांकि GST से संबंधित परेशानियाँ अब भी व्यापारियों के लिए बनी हुई हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अगली सरकार इस मुद्दे पर ध्यान देगी। कैराना में वोट आखिरकार किस मुद्दे पर पड़ेगा, इसके बारे में लोगों का कहना है कि गुंडागर्दी खत्म हुई है उस मुद्दे पर पड़ेगा, विकास यहाँ पर हो रहा है उस मुद्दे पर पड़ेगा। अगर लोगों की बात सुने तो BJP कहीं ना कहीं उसका पलड़ा भारी नज़र आता है, लेकिन देखना होगा कि यहाँ के जो सामाजिक समीकरण हैं वो क्या हैं। सामाजिक समीकरणों के अनुसार अगर हम देखें तो ये जो क्षेत्र है इसमें मुस्लिमों की बड़ी अच्छी खासी तादाद है, और चूंकि सपा और कांग्रेस का गठबंधन यहाँ पर हो गया है, उस नाते गठबंधन के प्रत्याशी अच्छी टक्कर में बताए जा रहे हैं। लेकिन BSP यदि उनका वोट काटती है तो इसके जो लाभ हैं वो BJP प्रत्याशी को हो सकते हैं। देखना होगा कि आखिरकार जब 4 जून को नतीजे आएंगे तब कैराना का चौधरी कौन बनेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।